सोलन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक शहर है जो सितंबर 1972 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। हे गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीप हिमाचली। कैसे हो आप लोग? तो आज है 15 सितंबर और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो मुझे काफ़ी टाइम से मेरे को सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि आप सोलन सिटी के ऊपर एक ब्लॉग बनाओ। वैसे मैं एक चीज़ 2-3 दिन पहले ही रिवील कर चुका था कि मैं एक सोलन सिटी पे ब्लॉग बनाने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोलन सिटी और बताने वाला हूँ यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस, इटिंग पॉइंट और भी बहुत कुछ। तो वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग और इस वीडियो को शूट करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सोलन में, तब तक के लिए में चलती हैं बातें मेरे बारे में। कल तक जो थे लड़ते भिड़ते सड़ते वही करते आज क्या बातें मेरे। अगर आप चंडीगढ़ या कालका से सोलन बस में आ रहे हो तो ये है आपका सोलन का फर्स्ट स्टॉप है जहाँ पे बस रुकती है। इसका नाम है दोरीद्वार। यहाँ से आपको इजीली ऑटो मिल जाएंगे जिसमें बैठ के आप सिटी की तरफ जा सकते हो। यह है सोलन बाईपास और आप सामने देख सकते हैं करोल टिब्बे का ब्यूटीफुल व्यू। या आप जा सकते हो सोलन के न्यू बस स्टैंड जहां से आप पैदल सिटी की तरफ चल सकते हो। चॉइस इज योर्स। फिर आप पहुंचोगे ओल्ड डीसी ऑफिस जहां का नाम अब बदल कर मशरूम चौक रख दिया गया है। टू बी ऑनेस्ट, दिन में इस जगह पे बहुत गंदा जाम लगता है। और इसके बाद आप सीधे पहुंच जाओगे सोलन के ओल्ड बस स्टैंड। यहां से अब मैं आपको सीधा लेके जाने वाला हूं शोलिनी माता मंदिर। मंदिर जाने के लिए आपको ओल्ड बस स्टैंड से ओल्ड मार्केट होते हुए जाना पड़ता है। यह है सोलन की ओल्ड मार्केट और यहां कुछ शॉप्स कितनी पुरानी है आई डोंट इवन नो। थोड़ी देर चलने के बाद आप एक चौक पे पहुंचोगे जहां आपको देखने को मिलेगा पुराना शोलिनी मंदिर। आप यहां भी जा सकते हो। थोड़ी देर चलने के बाद आपको एक और चौक मिलेगी। तो अगर आपको मंदिर जाना है तो आप लेफ्ट साइड जाओगे और अगर आपको ठोडो या कोटला नाला जाना है तो आप राइट साइड जा सकते हो। हमें मंदिर जाना था तो हम चल पड़े राइट साइड और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए शोलिनी माता मंदिर के मेन एंट्रेंस पे। सोलन, यहाँ की मेन लैंग्वेज हिंदी और पहाड़ी है। सोलन का नाम पहले सोलन नहीं था, ये जगह पहले बघाट रियासत में आती थी। अब आप बोलोगे कि सोलन का नाम सोलन कैसे पड़ा? तो सोलन का नाम माता शूलिनी के नाम पे पड़ा है। यहाँ साल में एक बार शूलिनी मेला लगता है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस शहर को वैसे मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शूलिनी माता के प्रति सोलन के लोगों की अपार निष्ठा और आस्था है। हर रोज लाखों श्रद्धालु माता के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दूं, माता शूलिनी साक्षात देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। पुराने ग्रंथों के मुताबिक देखा जाए तो माता शूलिनी अपने माता पिता और अपनी 6 बहनों के साथ रहती थी। इनकी 6 बहनें जेठी ज्वाला जी, लुगासना माता, नैना देवी और माँ तारा देवी हैं। मंदिर से निकलते हमें काफ़ी अंधेरा हो गया था तो अब हमने सोचा क्यों ना आप मॉल रोड की तरफ चला जाए। बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब मॉल रोड का नज़ारा कुछ और ही होता है। तो मैंने चलते चलते ऐसे ही सोलन सिटी का एक प्यारा सा व्यू लिया। तो आप देख सकते हैं कि सोलन सिटी कितनी प्यारी लग रही है। सोलन का मॉल रोड अगर आप देखना चाहते हो तो उसका बेस्ट टाइम है शाम के 5 बजे से रात के 7 बजे के बीच। और वो इसलिए क्योंकि इस दौरान मॉल रोड का जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया जाता है और फिर जो मज़ा यहाँ घूमने का है वो एक बार आप खुद आकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो चलते चलते हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था और अब भूख से पेट में हाथी कूदने लग गए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ सोलन के कुछ फेमस ईटिंग पॉइंट जहाँ मैं मोस्टली जाना पसंद करता हूँ। तो अगर आप मोमोज खाना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई ग्रीट्स एंड ग्रेवी, ओल्ड लाइब्रेरी के पास में है। व्हाट आर यू डूइंग? काल भैरव मंदिर भाई जाना जरूरी है।
कुछ भी। अगर आप कॉफ़ी या साउथ इंडियन खाना चाहते हो तो आप हिमालयंस ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाइनीज़ खाना चाहते हो तो तिब्बत किचन इज़ ए गुड प्लेस। बाकी फास्ट फूड के लिए आप पुरानी दिल्ली ढाबा या फिर चाणक्य ईटिंग पॉइंट आप ये ट्राई कर सकते हो। और अगर आप समोसा खाने चाहते हो तो फिर आप रतनजीज ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं मोहन पार्क। वैसे सोलन में 3 पार्क हैं। मैंने इस पार्क को क्यों चुना, उसका रीज़न है बिकॉज इस पार्क में कुछ वीडियो सॉन्ग्स और भजन शूट हुए हैं और ये सबसे पुराना पार्क भी है। इसलिए यहाँ से चंबा घाट और करोल टिब्बे का व्यू देखते ही बनता है। सोलन का दूसरा पार्क है चिल्ड्रन पार्क और तीसरा पार्क है जवाहर पार्क। इसके बाद हम पहुँचते हैं आनंद कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली सोलन का मेन पॉइंट है कपड़े खाने इस तरह की चीज़ों के लिए। हमें घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी और हमें घर वापस भी जाना था। और मेरे गांव की लास्ट बस रात 7:50 पर जाती है। अगर वो छोड़ जाती तो 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, तो इसलिए जल्दी से हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। The next day. तो ये है सोलन का सुंदर आयन मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर, सोलन का एकमात्र मूवी थिएटर। तो अभी जो आप देख रहे हो ये है सोलन का रेलवे स्टेशन। सोलन का बड़ोक रेलवे स्टेशन भी वैसे काफ़ी फेमस है और उसको हॉन्टेड भी माना जाता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें मैंने कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो सोलन सिटी का व्यू और ये हल्की सी जो आपको खाली जगह दिख रही है सोलन का ठोडो ग्राउंड। तो सोलन का छुनली मेला इसी जगह सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ से सिटी का व्यू काफ़ी सही दिखता है। और आप सामने देख सकते हो ये है यहाँ का स्टेज जहाँ पे सिंगर्स आके लाइव परफॉर्म करते हैं। जटोली शिव मंदिर सोलन से 10 किलोमीटर दूर जटोली जगह पर है, जिसकी स्थापना श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने की थी। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 122 फुट है और इसे उत्तर भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। सोलन का ये पहाड़ करोल टिब्बा के नाम से जाना जाता है। इस जगह की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हो। इस जगह का व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे 2-3 दिन क्यों लग गए, उसका रीज़न था ये बारिश। काफ़ी दिनों से जो है वो बारिश लगातार हो रही थी और इस बारिश ने हमें बहुत परेशान किया। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी पीस आउट।